हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रेम प्रकाश प्रभाकर। आप देख रहे हैं अनोखी पाठशाला। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से होंगे और हमारे चैनल का आनंद उठा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी 10th क्लास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आज हमें करना है। इसके पहले का क्वेश्चन हो चुका है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, एक संपूर्ण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से ऊंचाई कम है मतलब ऊंचाई आधार पर डिपेंड है। यदि हम इसको संपूर्ण त्रिभुज मान लें ए बी सी, तो आधार से कम है, आधार है 1 सेंटीमीटर, कह रहा है कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर और कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। ये यहाँ सिचुएशन होगा। अब हम थोड़ा सा फिर क्वेश्चन पर ध्यान दें कि आधार और ऊंचाई का तो हो गया, कर्ण 13 सेंटीमीटर, तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में और इसके अनुसार होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर या लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो पहले हम लिखेंगे, मान लिया कि समकोण त्रिभुज का आधार 1 सेंटीमीटर है। आधार जब 1 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई इसके अनुसार कितना होगा, तो ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ऊंचाई इसके आधार पर 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमने कम कर दिया, कम का मतलब घटा। अब हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। यहां हम इसको पुट करेंगे, लंब है कितना, x माइनस 7 स्क्वायर प्लस आधार है x स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर। इस तरह से अब इसको हम हल कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर, ये वाला x स्क्वायर बराबर 169, 13 का वर्ग 169। आगे देखते हैं, x स्क्वायर माइनस 14x, ये इसमें जोड़ देते हैं, तो यहां 2x स्क्वायर, दोनों को हमने कैलकुलेट करके जोड़ लिया, माइनस 14x अब प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। यहां 2x स्क्वायर माइनस 14x यहां घटेगा माइनस 120 बराबर 0, ये इसमें से कट जाएगा, ये बड़ा है तो चिन्ह इसी का रहेगा। अब इसके बाद इसमें दो उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 बराबर 0, ये दो उस साइड चल जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 बराबर 0, ये दो हमने हटा दिए, हल्का हो गया घटा। अब आगे हम देखेंगे, यहां एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 7, गुणनखंड कर लेंगे, 7 है तो 12 में से 5 घट गया 7 और 12 5 7 यहां आ रहा है बराबर 0। यहां हम इसको x x माइनस 12, ये सब पहले से जानकारी है आप लोगों को, 5 x माइनस 12 बराबर 0, x माइनस 12 दोनों में है तो x माइनस 12 हम उभयनिष्ठ करेंगे निकालेंगे, यहां इसमें बचेगा x और इसमें बचेगा प्लस 5 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग शून्य के बराबर करेंगे, जब
x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12 होना। जब x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5। ये माइनस में आ रहा है, कोई भी भुजा अर्थात लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए ये मान जो है अमान्य हो जाएगा। क्यों अमान्य हो जाएगा? क्योंकि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो हमारा एक मान आया यहाँ x बराबर 12। तो x बराबर 12 x क्या माने हैं हम? मान लिया कि संपूर्ण त्रिभुज का आधार x है, तो यहां लिखेंगे आधार बराबर x बराबर 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या है? ऊंचाई है x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा यहां आ गया ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार 12 सेंटीमीटर हमने निकाल दिया। तो इस प्रकार हमने इसको सॉल्व किया, समझ में आप लोगों को आ गया होगा। तो चलिए इस सॉल्यूशन को हम हटाते हैं और इस बार अब आगे हम इसको करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अब 6 नंबर का हल। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण की लागत ज्ञात है। तो यहाँ पर है कुटीर उद्योग कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से, ये लागत जो है निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या पर डिपेंड है। तो हम मानेंगे, मान लिया कि बर्तनों की संख्या x है, तो निर्माण की लागत प्रत्येक नग के निर्माण की लागत कह रहा है कि बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। तो बर्तन की संख्या है x, 2 गुना x और 3 अधिक है, ये लागत है। तो इस तरह से 2x प्लस 3 लागत हो गया और बर्तन की संख्या x अर्थात 10 20 30 40 कुछ भी, और एक बर्तन की लागत 2x प्लस 3। तो उस दिन जितने भी बर्तन हैं वो x हैं और एक का खर्च है 2x प्लस 3। यदि 10 बर्तन है तो 10 गुना इतना किया जाएगा, क्योंकि ये खर्च है एक बर्तन का। तो इस तरह से प्रश्न से बर्तनों की संख्या गुना लागत बराबर 90 दिया हुआ है। कुल निर्माण की लागत 90 रुपए। अब बर्तनों की संख्या है x और निर्माण की लागत है 2x जोड़ 3, यही वाला दुगुना x, तो 2x जोड़ 3 बराबर 90। यहां हम गुना कर लेंगे 2x² + 3x = 90। यहां हम देखेंगे 2x² + 3x - 90 = 0। सबको एक साइड लाए, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया है। अब 90 में 2 से गुना करते हैं तो 180, ये नियम है, और इसका खंड कर लेते हैं तो 2 90 2 45 3 15
तीन पांच। तो यहां हम देखेंगे कि तीन हमको लाना है और उसका गुणा करने पे 90 आए, तो क्या करना है? यहां कर देंगे हम 15 और 12, 15 में से 12 घटेगा तो 3 होगा। तो यहां हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 बराबर 0। अब यहां ये टूट गया, ये तो गुणनखंड में मुख्य यही काम होता है करना हमारा। तो 2x यहां उभय निकल लेंगे x और इसमें बचेगा 6 प्लस यहां होगा 15x माइनस 6, 15 छक्का 90 बराबर 0। x माइनस 6 दोनों में है, x माइनस 6 क्वेश्चन अगर सही रहेगा हमारा तो ये दोनों अपने आप सेम आएगा। x माइनस 6 2x प्लस 15 बराबर 0, ये दो फैक्टर आया है। अब दोनों को बारी बारी से शून्य करके x का मान निकालेंगे। जब x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6। पुनः जब 2x प्लस 15 बराबर 0 तो 2x बराबर माइनस 15 हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अभी दो गुना है तो भाग हो जाएगा, x बराबर माइनस 15 बटा 2। तो x हम क्या माने हैं? बर्तनों की संख्या, और बर्तन की संख्या कभी भी माइनस में और फ्रैक्शन में नहीं होगा, भिन्न में नहीं होगा। तो ये मान जो है अमान्य हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक है बर्तन कभी ऋणात्मक नहीं होगा और पूर्ण संख्या में होगा। तो x बराबर 6 जो है ये मान्य है, अतः बर्तनों की संख्या बराबर 6 तथा निर्माण लागत बराबर 2x प्लस 3 2 गुना 6 जोड़ 3 14 12 3 15। तो बर्तनों की संख्या x और निर्माण लागत 15, ये इसका आंसर हो दोनों का। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार रिपीट करके इसको देख लीजिए और उसको आप क्लियर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।